changes. Welcome to भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। अब बारी है इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की, यानी रिफ्रैक्शन की। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी या ग्लास या किसी और मीडियम में, तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। और ये पाथ चेंज इसीलिए होता है क्योंकि उस मीडियम में लाइट की स्पीड बदल जाती है, और इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ दो केसेस होते हैं। पहला, अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और दूसरा है जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तब लाइट नॉर्मल से दूर हो जाती है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब बारी आ गई है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने की। तो ये दो लॉज भी पुराने दो लॉज की तरह ही हैं। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे सब एक ही प्लेन में लाई करेंगी। और सेकंड लॉ है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और यहाँ जो हमें कांस्टेंट मिलता है इसको हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और जिन्हें साइन वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, तो कोई नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लो, ट्रिग्नोमेट्री सब सिखा देगी। ट्रिगो वैसे तो यार बहुत इजी चैप्टर है, बस प्रैक्टिस की बात है। और मेरे हिसाब से तो यार सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और यही सीक्रेट है। जैसे रोटी बनाना या बैट बॉल खेलना या और कोई भी चीज हो लाइफ की, तुम बस प्रैक्टिस करते रहो और देखना तुम बेस्ट बन जाओगे। तो अगर तुम ये दो लॉज भूल भी जाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइफ में ये प्रैक्टिस वाला लॉ मत भूलना, और फिर देखना तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है। चलो बैक टू चैप्टर। और हाँ, वैसे ये साइन वाले फॉर्मूले पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा, तो चिल करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू का रेशो। और अगर हम मीडियम वन को एयर मान लेते हैं तो फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिलता है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बस तुम दो मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर से जरूर याद कर लेना। वाटर का होता है 1.33 और ग्लास का होता है 1.5। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये बताओ, लाइट किस में ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी, वाटर या ग्लास? दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यही है 1.33 और 1.5। बिल्कुल सही, वाटर में लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और ये तो हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और। अगर लाइट की स्पीड एयर में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो वाटर में कितनी होगी अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3? बढ़िया, चलो अब आंसर भी देखते हैं। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी n इक्वल्स टू c अपॉन v। n है 4/3 और c हमें पता है 3×10⁸। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू 2.25×10⁸। यानी वाटर में लाइट की स्पीड हो जाती है 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड। चलो तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले।
अगले एपिसोड में।